नमस्ते दोस्तों, एनवायरनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो की शुरुआत एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से करते हैं। मान लीजिए इस महीने आपके पास कम पैसे हैं, तो क्या आप बेकार चीज़ों पर पैसा बर्बाद करेंगे या सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही खरीदेंगे? जवाब साफ है, हम पैसे बचाएंगे और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही खरीदेंगे। लेकिन इंडिया में हम पैसों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ उल्टा कर रहे हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफलाइन पानी। नदियों और भरपूर मानसून से समृद्ध इंडिया को अक्सर वाटर रिच नेशन माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक कठोर सच्चाई छिपी है, एक डिपेंडिंग वाटर क्राइसिस जो हमारे समाज की बुनियाद को खतरे में डाल रहा है। क्योंकि भारत में 60-70% फ्रेश वाटर पोल्यूटेड है। देश संकट में है। इंडिया में एवरेज 1170 mm बारिश हर साल होती है, जो काफी ज्यादा लगता है। फिर भी पैराडॉक्सिकली इंडिया में सीवियर वाटर स्कैर्सिटी है, तो ऐसा कैसे और क्यों होता है? इसका आंसर है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन और अनसस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। इंडिया के पास 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेस हैं, लेकिन ये दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन का सपोर्ट करता है। इंडिया में 200 मिलियन से ज़्यादा लोग साल के कम कुछ हिस्से में पानी की भारी कमी का सामना करते हैं। जैसे जैसे इंडिया ग्रो हो रहा है और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इसके वाटर बॉडीज टॉक्सिक होते जा रहे हैं। एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया में लगभग 70% सरफेस वाटर पीने लायक नहीं है। हर दिन लगभग 40 मिलियन लीटर्स वेस्ट वाटर नदियों और दूसरी वाटर बॉडीज में एंटर करता है, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सही से ट्रीट किया जाता है। थार डेजर्ट के रूप में जाना जाने वाला राजस्थान पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जिससे एग्रीकल्चर और रूरल लाइवलीहुड्स के लिए सीवियर चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि हर जगह बाढ़ आ रही है, तो इंडिया में वाटर क्राइसिस कैसे और क्यों है? क्योंकि हमारे वाटर रिसोर्सेज का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंटेमिनेटेड यानी पोल्यूटेड है। केयरलेस सिटीजन बिहेवियर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और अनट्रीटेड सीवेज ने हमारी नदियों को खुले नालों में बदल दिया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नदियों के बजाय हर जगह नाले हैं। इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में अगर आप किसी ब्रिज को पार करते हैं, तो चारों ओर से आपको नालों से निकलने वाले पॉल्यूशन की बदबू आएगी। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अर्बन वाटर का सिर्फ 37% ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट किया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली रूरल एरियाज के लिए हमारे पास एक्यूरेट डेटा ही नहीं है। जहां सिचुएशन अर्बन एरियाज की कंपैरिजन में और भी ज़्यादा बुरी है, करंट सीवेज कैनल्स या सिस्टम्स में प्रॉपर प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड नदियों में से कुछ नदियाँ इंडिया में है, जिसमें गंगा नदी एक प्राइम एग्जाम्पल है। भारत में वाटरबोर्न डिजीज का एक सिग्निफिकेंट फैक्टर वाटर पोल्यूशन है। आपने यमुना नदी के ये वीडियोस देखे ही होंगे, जहां पानी की सरफेस पर वाइट फोम दिख रहा है। गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी नदी यमुना हैविली पोल्यूटेड है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस, अनट्रीटेड सीवेज और रिलीजियस प्रैक्टिसेस ने इस नदी की वाटर क्वालिटी को डिग्रेड कर दिया है, जिसका लाखों लोगों पर इंपैक्ट पड़ा है। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये कंडीशन सिर्फ एक या दो नदी की है, ये हर जगह हो रहा है। ज़्यादातर तो नदी के किनारे जो मानसून के अलावा बाकी सीजन्स में सूखे रहते हैं, लोगों ने इन सूखी नदी के किनारों को डंप यार्ड बना दिया है। तो जब मानसून आता है, तो सारा जमा कचरा जो लोगों ने वहाँ फेंका है, नदी के पानी के साथ बह जाता है। सिक्योर नेचर सोसाइटी एक एनजीओ है जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती है। इनके एक वॉलंटियर के अकॉर्डिंग जो रेगुलर क्लीनअप टैक्स कराते हैं, इन्होंने सभी टाइप का कचरा तालाब,
बीचेस और नदियों में से कलेक्ट किया है, जैसे कि छोटे प्लास्टिक बैग्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन, सैनिटरी पैड्स, डायपर्स, फूड कलर्स, फिशिंग नेट्स, प्लास्टिक कटलरीज जैसे फॉक्स और स्पून्स, प्लास्टिक बॉटल्स, कैप्स एक्सेट्रा। इससे पता चलता है कि नॉर्मल सिटीजन्स तालाब, नदियों और दूसरे वाटर बॉडीज की कितनी परवाह करते हैं। इस वाटर क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंसेस दूर तक चलने वाले हैं। ये एक टाइम बॉम्ब है जिसने ऑलरेडी अपने इफेक्ट्स बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों में दिखाना शुरू कर दिया है। अर्बन और रूरल एरियाज में लाखों लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने लायक पानी नहीं है। डायरिया, कोलेरा और टाइफाइड जैसे वाटरबोर्न डिजीजेस अनगिनत जाने ले रहे हैं, पर्टिकुलरली बच्चों में। इंडिया में हर साल 5 से कम उम्र के हजारों बच्चों की मौत पानी और सैनिटेशन की कमी के कारण होती है, जिससे इवेंचुअली उन परिवारों पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। ग्राउंड वाटर लेवल के ओवर एक्सप्लोटेशन के साथ साथ इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न की वजह से कई एग्रीकल्चरल रीजन्स में सीवियर वाटर स्कर्सिटी हो गई है। इंडिया में ज़्यादातर खेती बारिश के पानी पर आधारित है, जिसकी वजह से सूखा या अकाल पड़ने पर काफ़ी प्रभावित होती है। पंजाब और हरियाणा, जो कि भारत के ब्रेड बास्केट्स यानी अन्न के भंडार हैं, ग्राउंड वाटर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, जहाँ वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है। एग्रीकल्चर, जो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, पानी की कमी और पॉल्यूशन की वजह से सीवियरली इम्पैक्टेड है, जिससे फसल उत्पादन में कमी और ग्रामीण संकट बढ़ रहा है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग भारत में पोल्यूटेड रीजन्स के डाउनस्ट्रीम होने से एग्रीकल्चरल रेवेन्यूज में 9% रिडक्शन और कृषि उत्पादन में 16% की गिरावट होती है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से होने वाला पॉल्यूशन वाटर बॉडीज और सोइल को कंटेमिनेट कर रहा है, जिससे फसल उत्पादन और क्वालिटी अफेक्ट हो रही है। भारत के कई हिस्सों में ग्राउंड वाटर में पेस्टिसाइड रेसिड्यू की क्वांटिटी परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा पाई गई है। पंजाब में फर्टिलाइजर्स के ओवर यूसेज के कारण सोइल सेलिनिटी यानी पानी की लवणता बढ़ गई है, जिससे फसल उत्पादन कम हो रही है। भारत में एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन की कॉस्ट का एनुअल एस्टीमेट 3.7 ट्रिलियन रुपीज है। इकोनॉमिक कॉस्ट के अलावा पानी, सैनिटेशन और हाइजीन की कमी के कारण भारत में प्रति वर्ष 4 लाख लोगों की जाने जाती हैं। वाटर स्कर्सिटी भारत में 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है और इसके कारण GDP में 6% तक की गिरावट का एस्टीमेट है। एग्रीकल्चर में वाटर क्राइसिस का सॉल्यूशन लाना भारत की फूड सिक्योरिटी और लाखों लोगों की भलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, वाटर कंजर्वेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट एक रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल फ्यूचर एंश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें एक बाघ पानी से प्लास्टिक की बोतल को हटाता है। हमारा कचरा अब कुछ रिमोट जंगलों तक भी पहुंच रहा है। पानी न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए लाइफलाइन है। वाटर क्राइसिस का भारत के वाइल्ड और मरीन लाइफ पर सबसे ज़्यादा गंभीर असर पड़ता है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पोल्यूशन पानी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देता है। एक्वेटिक प्लांट्स, इनवर्टेब्रेट्स और फिशेस के हैबिटेट्स को नष्ट कर देता है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से निकलने वाले टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स और वाटर बॉडीज में अनट्रीटेड सीवेज एक्वेटिक लाइफ के नाजुक बैलेंस को बिगाड़ देता है। मछलियों की सामूहिक मृत्यु एक आम घटना है, जिससे मछलियों की पॉपुलेशन में गिरावट होती है और पूरे फूड चेन पर असर पड़ता है। डॉल्फिन्स, टर्टल्स और ओटर्स के साथ कई एक्वेटिक स्पीसीज पॉल्यूशन के कारण खतरे में है। उनके हैबिटेट्स कंटेमिनेटेड होने के कारण उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। ये इम्पैक्ट्स एक्वेटिक लाइफ तक ही लिमिटेड नहीं, टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ भी इनसे इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। जैसे जैसे मछलियों और दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डिक्लाइन होते हैं, उन पर निर्भर बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स भी संकट में आ जाते हैं और सफर करते हैं।
जानवर जो पोल्यूटेड पानी पीते हैं या पोल्यूटेड एक्वेटिक लाइफ का शिकार करते हैं तो उन्हें ऐसी बीमारी आ सकती है जिससे उनकी पॉपुलेशन में गिरावट आ सकती है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और अनट्रीटेड सीवेज के कारण नदी के इकोसिस्टम संकट में है। इससे गैंजेस डॉल्फिन की पॉपुलेशन में गिरावट आई है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। पॉल्यूशन उन वेटलैंड्स, जंगलों और घास के मैदानों को भी नष्ट कर सकता है जो टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ का सपोर्ट करते हैं। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिन्हें अगर हम दिखाना शुरू करें तो घंटों लग सकते हैं। भारत में वाटर क्राइसिस एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है जिस पर तुरंत ही ध्यान देने की जरूरत है। ये सिर्फ नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स के बारे में नहीं है, ये हमारे लाखों फेलो सिटीजन्स के लाइव्स और लाइवलीहुड्स के बारे में है। अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।